हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो जैसा कि हमने कहा था कि थ्योरीज हम पढ़ेंगे, थ्योरीज और इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ करेंगे, तो एक लेक्चर आपका थ्योरीज का होगा, फिर एक इंडियन ज्योग्राफी का होगा और एक आपका जो संडे को टेस्ट होता है वो होता ही है। देखिए, जो संडे को टेस्ट हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। सो एवरीबडी शुड बी देयर एट 5 PM ताकि आपको आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो सके, ठीक है। तो टेस्ट आप सब जरूर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज वॉन थ्यूनेन्स मॉडल ऑफ लैंड यूज। ये एग्रीकल्चरल लैंड यूज की बात इन्होंने कही थी कि कैसे हम एग्रीकल्चर के लैंड को हम यूज कर सकते हैं, उसमें इन्होंने एक मॉडल बनाया था, ठीक है, एक थ्योरी दी थी, ठीक। तो वही हम यहाँ पे ये थ्योरी पढ़ेंगे। और एक्चुअली क्या है ना, देखिए जो भी थ्योरीज हम पढ़ा रहे हैं इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक। तो आप सारी थ्योरीज को जरूर पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरीज के बीच में से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, वॉन थ्योरम ने जो ये आपके मॉडल ऑफ लैंड यूज दिया था, ये इन्होंने एक बुक में दिया था जिसका नाम था आइसोलेट स्टेट। ये एक बुक इन्होंने लिखी थी 1826 में, इसमें इन्होंने ये थ्योरी को डिफाइन किया था, ठीक, जो कि 1826 में थी। अब सोचिए, इतना पहले इन्होंने ये थ्योरी दिया था और आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसकी कुछ रेलेवेंस अभी भी है, इसलिए हम ये थ्योरीज को पढ़ते हैं और इनको हम देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक। तो चलिए, कोई भी थ्योरी बनेगी तो हमने पहले भी बताया है कि वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। तो इनके क्या अजम्पशन थे? सबसे पहला अजम्पशन था कि देयर मे बी देयर आइसोलेटेड स्टेट्स। पहले क्या होंगे? आइसोलेटेड स्टेट्स होंगे जहां पर एक ही मार्केट होगी, सिंगल मार्केट होगा, सिंगल एग्रीकल्चरल एरिया होगा। तो ये एक तरीके से एक आइसोलेटेड स्टेट है जिसमें इन्होंने अपने मॉडल को फिट किया था। नेक्स्ट, होमोजेनस प्लेन। होमोजेनस प्लेन के बारे में हमने वेबर की भी थ्योरी में पढ़ा था, उन्होंने भी बोला था होमोजेनस प्लेन होना चाहिए, मतलब वहां पे सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, उनका प्रेफरेंस, वो सारे कुछ एक जैसा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिर्फ एक मोड होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज यूनिफॉर्म। अब देखिए, एक ही ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक ही है, तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सेम होगी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन लेबर। अब यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लिया इन्होंने और दोनों ही टर्म्स में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन भी लेबर का सेम होगा और जो लेबर का कॉस्ट है, मतलब जो लेबर की वेजेस है, वो भी सेम होगी, ठीक। तो यूनिफॉर्मिटी इन लेबर। नेक्स्ट, फार्मर्स आर रैशनल इकोनॉमिक मैन। कोई भी थ्योरी या कोई भी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि उससे हम कितना ज्यादा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने वेबर की थ्योरी में पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं वो ऐसे कौन से लोकेशंस पे लगाएं जहां पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, वही यहाँ पे है कि फार्मर्स ऐसे कौन से एरियाज में फार्मिंग करें या फिर कौन से ऐसे क्रॉप्स को यूज करें जहां पे उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो रैशनल इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या है कि जो भी फार्मर्स हैं उनका बेसिक जो मोटिव है वो क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। प्रॉफिट इनका क्या होगा? जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो भी क्रॉप्स यूज कर रहे हैं, जहां पर भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये इनका रैशनैलिटी है, यही फार्मर्स का बेसिक एम होता है, ठीक। तो चलिए देखिए, डेविड रिकार्डो ने वॉन थ्यूनेन ने अपनी थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एक बेस देने के लिए, डेविड रिकार्डो की थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को लिया था, ठीक है। डेविड रिकार्डो का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने ये बात कही थी कि पीपल सेटल अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मतलब जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होगी उतने ज्यादा लोग वहां पर रिसाइड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, इन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि जो यील्ड पर हेक्टेयर है, मतलब कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है यील्ड हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। ये रिकार्डो का कॉन्सेप्ट था, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, कि मार्केट से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके, हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे यील्ड जो है वो हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि ये
ए बी सी जो हमने यहाँ पे लिखा है, ए का यील्ड इतना ज्यादा है क्योंकि ये पास में है, जैसे हम दूर गए बी इनका कम हो गया, फिर सी इसका ये और कम हो गया। अब जब हम यही रिकार्डो का ही कॉन्सेप्ट इन्होंने लेकर के दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था, या इसी ग्राफ के ऊपर इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को सुपर इम्पोज किया था लोकेशनल रेंट को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉन थ्योरम का लोकेशनल रेंट। इन्होंने क्या बोला था कि जैसे जैसे हम मार्केट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रेंट कम होता जाएगा, और जितना ही ज्यादा मार्केट के पास होंगे उतने ही ज्यादा हमारा रेंट ज्यादा होगा लैंड का, ठीक है। दैट मींस कि हमारा जो भी फर्टाइल लैंड होगा अकॉर्डिंग टू रिकार्डो और इनको अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा कि जितना ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा उसका उतना ही ज्यादा यील्ड पर हेक्टेयर ज्यादा होगा, यील्ड ज्यादा होगा और रेंट भी ज्यादा होगा, मतलब पास में होंगे तो रेंट ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे रेंट कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों कम होता जाएगा, बिकॉज यील्ड कम होता जा रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया लोकेशनल रेंट। अब जब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे हम इन्होंने एक थ्योरी नहीं दी थी, इन्होंने दूसरी बात बोली थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक। एक तो हो गया लोकेशनल रेंट कि कहाँ पर कहाँ पर हमें एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, वो हो गया। उस वहां जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वो कम होता जाएगा, या फिर जैसे जैसे हम पास आएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, रेंट बढ़ता जाएगा, ठीक। जब हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी यही चीज है सेम, कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन जब कोई भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसका इनिशियल कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो जो कि इन्होंने कॉन्स्टेंट माना है, यहाँ ये ग्राफ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका ग्राफ है, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कमोडिटीज हैं और डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि सेम है सभी के लिए, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अब देखिए ए के लिए क्या है, जो इनका ये आता है ना, जो ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो कैसे हम पता करेंगे। पहले तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 20, ठीक। और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां से यहां तक लग रहा है। अब जब बिल्कुल ही हम यहां पर हैं जीरो पर हैं तब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा दूर जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर भी लगेगी, ठीक है। मतलब कि अगर हम बिल्कुल ही मार्केट में बैठ के भी बनाएंगे मतलब वहां पे भी होगा तब भी वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट क्या हो गई प्लस 10, ये हमारा क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जो मान लीजिए एक फार्मर है, उसने पोटैटो ग्रो किया और बेचा उसने 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, सेल किया इसने में इतने में, तो कॉस्ट कितना हुआ इसका 20, जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, प्लस 10 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर, तो 30। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही जब हम बी के तरफ चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनका तो ये तो है आपका 20, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा नेक्स्ट, इसके बाद इनका ये आ जाएगा 40, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया 40, मतलब कि यहां पर आपका ये इतना होगा 20, ठीक है। दैट मींस अभी ये ए का था, बी का कितना होगा 20 प्लस 20, तो कितना हो गया 40, तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे ओनली रुपीज 10। ऐसे ही हम सी का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 है ही प्लस 30, यहाँ पे हो गया 50। अब इसके पास सी को कुछ भी नहीं बच रहा, सी का जितना ही इसका कॉस्ट आ रहा है टोटल उतना ही इनका इस उतने में ही इसने सेल किया है, ठीक है। तो
तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मार्केट से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, अब डी का देखेंगे अगर हम, तो इसको और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी और यहां पर क्या हो गया कि इसको लॉस हो गया, बिकॉज इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 60 हुआ बट बेच रहे हैं सभी 50 में ही। तो इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करेंगे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी। बेसिकली यही मतलब है यहाँ पर, आपको पहले ये तो समझना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या समझे इससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, यील्ड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम साथ में लेते हैं तब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास वाले एरिया है, ठीक है, मतलब मार्केट के जो पास वाला एरिया है वहां पर यील्ड भी ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आ रही है, बट हमारे पास लैंड भी कम है, बिकॉज ये भी बोला है ना कि जो लोग हैं वो भी फर्टाइल लैंड के पास ही रहेंगे। अब हमारे पास लोग वहां पे रेंट तो ज्यादा ही देना पड़ेगा अगर हम पास में रहेंगे तो, ठीक है, यहाँ पर रेंट ज्यादा है, अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो रेंट कम होता जाएगा लेकिन यील्ड भी कम होती जाएगी। तो क्या होगा कि जो बिल्कुल ही पास में लेगा, जितना ही पास होगा उसका क्या है, यील्ड ज्यादा है बट रेंट भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे कि इंटेंसिटी जो होगी वो क्रॉपिंग की ज्यादा होगी, कम लैंड में वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रो करना चाहेंगे, बिकॉज हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी भी कम है, रेंट भी ज्यादा देना पड़ रहा है बट यहाँ पे यील्ड ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग ज्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप क्या है, वो ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये हम दूर चले गए तो क्या हुआ, हमारा यील्ड कम हो गया बट रेंट भी कम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक्सटेंसिव क्रॉपिंग हो गया आपका, मतलब जैसे हम दूर जाएंगे वैसे हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो गई, रेंट भी कम हो गया बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंसिव क्रॉपिंग करेंगे। तो ये दो चीजें आपकी थ्यूनन ने अपने मॉडल में बोली थी, ठीक, इसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ रिंग्स बनाए थे और उन वही रिंग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि कहाँ पर हम कैसे लैंड को यूज कर सकते हैं और कौन सी हम क्रॉपिंग कैसे करते हैं। ये हमने 6 क्रॉपिंग यूनिट्स पढ़े थे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन क्रॉपिंग्स को हम कैसे लेते हैं या वॉन थ्यूनन ने क्या बोला था, इसको हम, इस डायग्राम को हम बोलते हैं इंटेंसिटी प्रिंसिपल। देखिए ये क्या है, ये हमने एक डायग्राम लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक, जहां पे ए और बी कौन ये आपके इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पे इन्होंने लिया फर्स्ट क्रॉप और ये एक ऐसे करके सर्कल बनेगा जहां पे ये एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जब ये है बी और सी जहां पे करेंगे इंटरसेक्ट, वहां पर हम दूसरा सर्कल लेंगे और यहां पर हमारा दूसरा क्रॉप ग्रो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी जहां पे इसको कर रहा है इंटरसेक्ट, वहां पे इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी का क्रॉप या दूसरी क्रॉप। तो इस तरीके से इन्होंने रिंग्स बनाए थे क्रॉप्स के लिए। ठीक, तो अब हम बाकी और जो क्रॉपिंग सिस्टम के जो रिंग्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। सो चलिए अब देख लेते हैं हम इनके 6 जो इन्होंने जोन्स में बांटा था, जो इन्होंने 6 क्रॉपिंग पैटर्न्स दिए थे और साथ में इन्हीं रिंग्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे हम दूर जाएंगे मार्केट से तो कौन से हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये मान लीजिए मार्केट है, सबसे पहले इन्होंने बताया है मार्केट के बिल्कुल पास वाला एरिया, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट गार्डनिंग होगा। देखिए ये आपका डायग्राम है और इसका ये इंडेक्स है। ठीक है, तो सबसे
सबसे पहला क्या होगा, मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग का क्या मतलब होता है, जो भी चीजें पेरिशेबल है, जो पेरिशेबल चीजें हैं वो पहले ग्रो किए जाते हैं। तो ये आप ऐसे भी नॉर्मली भी देख सकते हैं कि जो चीजें, जो पेरिशेबल चीजें हैं, जो जल्दी खराब हो सकती हैं, वो मार्केट के बिल्कुल पास होना चाहिए। अदरवाइज उसको अगर हम ज्यादा दूर तक ट्रेवल कराएंगे तो वो खराब हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मिल्क हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, ये सारी चीजें पेरिशेबल में आती हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर बिल्कुल आपको मार्केट के पास होगा, मार्केट गार्डनिंग। नेक्स्ट सेकेंड इन्होंने वुड प्रोडक्शन को बोला था। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चीज जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फार्मर्स का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब जब इन्होंने इतना पहले की थ्योरी दिया हुआ है, मतलब 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन्होंने थ्योरी दी है, तो उस टाइम पे वुड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बिकॉज इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी का हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वुड का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, इसलिए फार्मर्स जो है वुड ज्यादा ग्रो करेंगे, या फिर जो नॉर्मल पर्सन है वहां पे उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, वो वुड पे ज्यादा होगा। तो इसलिए सेकेंड क्रॉप इन्होंने लिया था, या सेकेंड पैटर्न लिया था वुड प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका है। फिर इसके बाद इंटेंसिव क्रॉपिंग, यहाँ पे पैडी, वीट, जो इनका जो इंटेंसिवली आज भी ग्रो किए जाते हैं वो चीजें हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। सेकेंड है आपका एक्सटेंसिव क्रॉपिंग, यहाँ पे आपका फील्ड ग्रासेस आ जाएंगे एक्सटेंसिवली, जो बहुत लार्ज एरिया में एक्सटेंसिव फार्मिंग विद मैकेनाइज्ड मशीन से जो होते हैं वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा थ्री फील्ड सिस्टम इन्होंने लिया था। नेक्स्ट थ्री फील्ड सिस्टम में क्या होता है कि 1/3 जो है वो आपका क्रॉप फार्मिंग है। ठीक, इस क्रॉप फार्मिंग में आता है आपका हार्डी क्रॉप्स, जैसे कि ओट्स हो गया, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी वो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 1/3 में आता है आपका पास्चर लैंड, पास्चर्स के लिए इन्होंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट 1/3 जो एरिया है वो इन्होंने बोला था फैलो लैंड होना चाहिए, मतलब कुछ दिनों के लिए उनको उसको छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो सके। ठीक है, तो ये होता है थ्री फील्ड सिस्टम। नेक्स्ट आपका है जो लास्ट वाला है वो है आपका एक्सटेंसिव कैटल रैंचिंग, मतलब कि वो ऐसे एरियाज होने चाहिए जहां पे कैटल्स को हम फीड करा सके, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव कैटल रैंचिंग, जो कि सबसे लास्ट सर्कल होगा आपका। ठीक है, ये इनका जनरल कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, या तो थ्योरी कब दी थी, या तो जो लैंड यूज का मॉडल है वो किसने दिया था, या फिर इनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा सर्कल पहले था, कौन सा बाद में था, या कौन सा हमारे दूर पास में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम वैसे तो यहीं तक क्वेश्चन आते हैं जनरली, लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ और मॉडिफिकेशंस किए थे तो हम वो भी देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा था, ये तो नॉर्मली आपका हो गया कि एक सर्कल बनाया, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए कि बीच से कोई रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रिवर ले लेते हैं, और ये आपका सर्कल ना होकर के ये सारी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अगर हम एक रिवर के पास, जैसे कि हमने पढ़ा है इस चीज को कि पहले सिविलाइजेशन जो है वो जनरली रिवर्स के पास में ही ओरिजिनेट हुई थी, तो लोग जो है वो ज्यादातर रिवर्स के पास रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां की लैंड जो है वो फर्टाइल होती है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं रिवर्स के पास वाला एरिया बिल्कुल जहां से लोग स्टार्ट करेंगे रहना। ठीक है, इसके बाद आप ये बना लीजिए, ये सारा कुछ इनका जो सिक्स सर्कल्स थे वो एज इट इज हो जाएंगे। बस इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे सर्कल ना हो करके आपके सेमी लीनियर इस तरीके से। फर्स्ट हो गया ये आपका मार्केट गार्डनिंग, फिर हो गया आपका वुड प्रोडक्शन, नेक्स्ट हो गया आपका इंटेंसिव क्रॉपिंग, फिर हो गया आपका एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, यही सेम इधर भी बनेंगे, ये इन्होंने मॉडिफाई किया था तब बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्री फील्ड सिस्टम, और फिर उसके बाद है आपका एक्सटेंसिव रैंचिंग। ये आपको हमने इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद इन्होंने फिर से एक चीज मॉडिफाई की थी, और मॉडिफिकेशन में ये बताया था
कि जो वुड का प्रोडक्शन है ना वो अब धीरे, क्योंकि हम रिवर्स के पास में कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो वुड का प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि हमारा सेकेंड सर्कल ही हो, क्योंकि क्योंकि रिवर है तो हम वुड का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, कहीं भी कर गए उसको हम रिवर्स के साथ में फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सेकेंड सर्कल हट जाएगा और सेकेंड सर्कल की जगह ये थर्ड सर्कल ले लेगा और जो वुड का प्रोडक्शन है वो आपका रिवर्स के कॉर्नर में हो जाएगा, या हम कह सकते हैं थोड़ा दूर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वुड का प्रोडक्शन हो रहा है तो और लॉग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या होगा कि लॉग्स को हम रिवर्स के थ्रू वो बह करके कहीं पर भी उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक इसमें मॉडिफिकेशन किया था। अब बात आती है कि क्या ये आज भी हमारे रियल वर्ल्ड में क्या ये अप्लाई होता है? तो कुछ हद तक अप्लाई होता है, बिकॉज जनरली आप देखते हैं कि जो फर्टाइल लैंड है उस पर ज्यादातर इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, लोग जहाँ पर ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की वहां पर इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, जहाँ पे लैंड की कमी है वहां पे इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, जहाँ पे एक्सटेंसिव लैंड है, जहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है वहां पर एक्सटेंसिव क्रॉपिंग होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वहां पर एक्सटेंसिव क्रॉपिंग होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि, और साथ में मार्केट गार्डनिंग, इसका भी आप देख सकते हैं कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो है वो जनरली मार्केट के बिल्कुल पास में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वॉन थ्यूनन का जो एग्रीकल्चरल मॉडल है वो आज भी कुछ हद तक अप्लाई होता है, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ हद तक तो अप्लाई होता ही है। और जो क्रिटिसिज्म है इनके वो क्या हो जाएंगे, सेम अजम्पशन जो है वो उसका उल्टा कर दीजिए आप, वो सारा कुछ इसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा। बिकॉज हमें कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेबर नहीं मिलेगी, हमें कहीं पे भी होमोजेनियस स्टेट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो इनके अजम्पशन है वही इनके क्रिटिसिजम्स है, बट स्टिल क्रिटिसिजम्स होने के बावजूद इनकी थियोरी आज भी एप्लीकेबल है, इसीलिए हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। तो ये हो गई हमारे वॉन थ्यूनन की थियोरी, साथ में इसका इम्पोर्टेंस, साथ में क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या है लोकेशन थ्योरी, क्या है लोकेशन रेंट, क्या है कैसे वो चेंज होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, इनकी ये रिंग्स 6 rings एज इट इज आपको लर्न करने हैं कि पहला कौन है, बाद में कौन है, मॉडिफिकेशन के बाद इन्होंने रिवर्स के पास में क्या बोला, ये भी आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉन थ्यूनन थ्योरी, आई होप आपको समझ आया होगा। जिसको जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट करके बता दे, हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरी आपको कौन सी पढ़नी है वो भी आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हमारे टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।